to learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and today we are going to start with sample paper of business studies. Accountancy का sample paper हम complete कर चुके हैं, full fledged बहुत बहुत अच्छे से complete कर लिया है. And today हम start करने वाले हैं क्या? Business studies का sample paper. So जल्दी से join कर लो सभी बच्चे, and then we will start with our today's session जिसमें हम सैंपल पेपर की टोटल बातें करने वाले हैं कि सैंपल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है. सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद, देखो जी, सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके पास आने वाले हैं 3 sections, ठीक है जी, 3 sections आने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात हमें पता लग गई. उसके बाद क्या होगा, सेक्शन ए में हमारे पास होंगे 24 questions जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 20 questions. सेक्शन बी में हमारे पास होंगे अगेन 24 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एंड इन सेक्शन सी वी हैव 12 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस. इन टोटल वी हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस. इतनी बात तो हमें पता है, बट प्रैक्टिस तो हम टोटल क्वेश्चंस की करेंगे ना. तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए कि सेक्शन ए में मैम क्या-क्या क्वेश्चंस हैं. और अगर एक्चुअल में मैं तुम लोगों को बताऊं तो सेक्शन ए जो है ईजीएस्ट है, मतलब ईजी है, बहुत बहुत ज्यादा ईजी है. एक एक क्वेश्चन अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है ना, अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा, मतलब हमने अगर कंसेप्ट या फिर हमने हेडिंग्स भी रिवाइज करी हुई है ना, तो हमें आता है. इतना ईजी चैप्टर है हमारे, जो ईजी चैप्टर है उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन, और जो हमारा सेक्शन ए है वो ईजी आया हुआ है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा कितने परसेंट ईजी है, और आप लोग भी बता दोगे कि मैम हाँ ये तो ईजी था, ये तो आपने सेशंस में, पुराने लाइव सेशंस में भी कराया हुआ है. चलो स्टार्ट करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, What distinguishes a successful manager from a less successful one in the ability to put the principles into practice? अब क्या कह रहे हैं कि principles जो हैं, good morning जी, good evening. अब देखो, अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे principles हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा manager, एक manager ऐसा होता है जो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में नहीं ला पाता, और एक मैनेजर ऐसा होता है जो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लेकर आ जाता है. क्लियर? देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, व्हिच एस्पेक्ट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. वो कह रहे हैं कि कौन सा नेचर जो है यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, कौन सा नेचर कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिस में लाना, इन सभी नेचर्स में से कौन सा नेचर है. मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस क्या ये काम करता है, या फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट करता है, या फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, या फिर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. सो कौन सा करेक्ट आंसर आने वाला है मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में लाना है प्रिंसिपल्स को, साइंस तो ये काम कर नहीं सकती, तो कौन कर सकता है ये काम. अगर मैनेजर प्रिंसिपल्स को लेकर आ सकता है इन प्रैक्टिस, तो वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि मैनेजर जो है पूरा मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं एज आर्ट. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डैश प्रोवाइड्स इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब लाइंस पढ़ते ही, स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें आंसर आ जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है. डैश प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन करने में हेल्प करता है, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं इसमें हेल्प करता है, और क्या पूरा हमारा फॉर्मेट रहने वाला है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का, ये इस चीज में हेल्प करता है. ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल, जो गोल्स हमने पहले से सोचे हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है. कौन सा आंसर है यहाँ पर जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि इजीएस्ट है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता. हमारे जो स्टेप्स हैं, जो भी इनमें से फंक्शन है उसके स्टेप्स में ये सारी बातें कवर होती है. तो इजीएस्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है, उसके बाद कोर्स डिफाइन करता है कि क्या डेवलपमेंट कोर्स है, एंड लास्टली हमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. सब कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से मुझे बता दो. बहुत इजी आंसर हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का, प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर. जो प्लानिंग है वही हमें इन सारी चीजों में हेल्प करता है. सभी को आता था ये क्वेश्चन, आई होप. आते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ. अब मार्केटिंग मिक्स जो है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। अब देखो कह रहे कि मार्केटिंग मिक्स में, मार्केटिंग मिक्स किन चीजों का सेट है जो फर्म को हेल्प करता है मार्केट को टारगेट करने में? प्रोडक्शन टूल्स का सेट है, प्रमोशन टूल्स का सेट है, मार्केटिंग टूल्स का सेट है, या फिर सेलिंग टूल्स का सेट है? अब मार्केटिंग मिक्स है तो मार्केटिंग टूल्स का सेट है, क्लियर? चलिए आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब देखो कौन सा इन सारे लेवल्स में से कौन सा मैनेजमेंट वेलफेयर और सर्वाइवल पे ध्यान देगा? ठीक है, ये तो सोसाइटी का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो क्या मिडिल लेवल ध्यान देगा, क्या ऑपरेशनल लेवल ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं देंगे। जो ऑल टुगेदर पर्पस है उसका ध्यान कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर विल बी ए। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अबाउट वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी आ जाएगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। इनमें से एक ऐसा फ्योल का प्रिंसिपल है विच व्हेन अप्लाइड, जो हम अप्लाई करते हैं, वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर। कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट दी है ना वो उस कमिटमेंट पे रहते हैं, ठीक है। बोथ मैनेजर और वर्कर्स अपनी कमिटमेंट्स पे रहते हैं और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो विदाउट एनी डिफॉल्ट पूरा करते हैं। तो अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो तभी भी हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी बातों को डिपेक्ट कर रहा है। ये डिसिप्लिन को डिपेक्ट कर रहा है, मेंटल रेवोल्यूशन को डिपेक्ट कर रहा है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज को डिपेक्ट कर रहा है, या फिर स्केलर चेन को डिपेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन है इजिएस्ट, ये भी इजिएस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें जो है हमें सिंपली समझ आ रही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही है फ्योल का ग्रो प्रिंसिपल जिसमें ये स्टेटमेंट जो है कही गई है, उनसे रेफरिंग बातें जो है करी गई। क्लियर? चलिए लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर सैंपल पेपर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। नॉट अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। अब देखो ब्रांड या फिर किसी पार्ट जो भी होता है, ठीक है, ब्रांड का, उसको लीगल प्रोटेक्शन कहाँ पर दी जाती है? ब्रांड मार्क के अंदर दी जाती है, ट्रेडमार्क के अंदर दी जाती है, ब्रांड के अंदर दी जाती है, या ब्रांड नेम के अंदर दी जाती है। अब जहां भी लीगल की बात आ जाती है वहां पर क्या आ जाएगा? ट्रेडमार्क आ जाएगा। क्लियर है ना? ट्रेडमार्क आ जाएगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का, दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हेलो गोलू जी, कैसे हो आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम आते हैं वापस क्वेश्चन पर कि एक मैनेजमेंट का क्या है। एक मैनेजमेंट का फीचर हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इस मल्टी डायमेंशनल के भी फर्दर कुछ पॉइंट्स थे या नहीं थे? सो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको उन मल्टी डायमेंशनल के अंडर जो भी हमारे पॉइंट्स थे उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली स्टेटमेंट कौन सी बातों को डिपिक्ट करती है। क्लियर? विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, कहता है कि मैनेजमेंट का टास्क है दैट टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी स्ट्रेंथ, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उनको सपोर्ट किया जाए, उनको फोकस किया जाए, उनको उनके ही रिलेटेड काम दिया जाए। वीकनेस इररिलेवेंट टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, कहते हैं कि भाई जो भी स्ट्रेंथ है वहां पर फोकस करो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई है तो क्या आएगा? मैनेजमेंट एट वर्क, या फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, या फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, या फिर मैनेजमेंट ऑफ गोल्स? कौन सा होने वाला है करेक्ट आंसर? एक बच्चा कह रहा है मैम डी है, आपने रेलिवेंट डी पे चलाया, डी तो है ही, करेक्ट आंसर नहीं है डी। सो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ह्यूमन रिसोर्स की बात हो गई कि ह्यूमन रिसोर्स को एक तरीके से मैनेज कैसे करना है वो बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर विल बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको कम्प्लीटली मैनेजमेंट करनी है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज एंड
इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्शन आइज ऑफ पब्लिक. अब क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपनी की मार्केट में इमेज बनाएगा और पब्लिक को पब्लिक की आईज में जो है बहुत बहुत अच्छा अपना इंप्रेशन डालना चाहता है. तो कौन सी ऐसी बात हो सकती है, कौन सा ऐसा हम प्रोडक्ट प्रोग्राम यूज करें कि हमारा जो है ये वाला मोटिव जो है कंप्लीट हो पाए. क्या मोटिव है हमारा, सबसे पहली बात तो हमें कंपनी की इमेज बढ़ानी है, साथ के साथ हमें पब्लिक की आईज में जो है इंप्रेशन बनाना है. तो क्या यूज करेंगे, एडवर्टाइजिंग यूज कर सकते हो, पर्सनलाइजिंग पर्सनल सेलिंग या फिर पब्लिसिटी या फिर पब्लिक रिलेशन. सो अगर करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा. यस गोलू जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, रेड गेमिंग. हेलो, नेक्स्ट आपका पब्लिसिटी, सी विल बी द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड. आते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इजिएस्ट क्वेश्चन, इजिएस्ट का भी इजिएस्ट क्वेश्चन आपको लास्ट टू लास्ट टू लास्ट सेशन जो हमने करे थे चैप्टर्स के उसमें कराया था. चलिए अब देखो, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर अ फर्म विद विच हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा गया है गोलू जी, बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होगा. ध्यान से क्वेश्चन को सुन तो लो, उसके बाद बताना, ठीक है. चलो ध्यान से सुनते हैं एक बार क्वेश्चन को. कह रहे हैं कि ऐसी कौन सा आपका स्ट्रक्चर, आप ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे जब आप स्पेशलाइजेशन को जो है इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, प्रायोरिटी रखना चाहते हो. सो कौन सा हो सकता है, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है. कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखो जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्यों, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड था ना, कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो ये वाला जो है इतना जो है डिपार्टमेंट्स पर ध्यान दिया जाए कि इस डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए. फंक्शन में हमें क्या था कि जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको वो काम दिया जाए. अगर हम ये स्ट्रक्चर यूज कर जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा प्रॉपरली यूज होंगे और स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंसेस भी हमें मिल जाएंगी. क्लियर होती है इतनी बात है सभी बच्चों को. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि हमारे से क्या बातें पूछी गई हैं. सो चेंजेस आर इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, इजीएस्ट क्वेश्चन है, सभी के सभी बच्चे इसको आंसर कर सकते हो. अगर नहीं भी पढ़ा चैप्टर तभी भी इतना इजी क्वेश्चन है. अब देखो, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जो भी चेंजेस हैं और जो भी एकदम से कुछ भी हो सकता है वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हैंड्स में नहीं है. That is not under our control. उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, उनको हम सोच सकते हैं या फिर वी कैन मेक अ गेस कि ऐसा ऐसा हो सकता है, एंड मैनेजीरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप. और अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती हो जाती है तो हम उसमें कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सारी प्लानिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब ये वाली जो बातें हैं कौन सी इंपॉर्टेंस में बताई गई है. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अब मुझे सोच के बता देना कि अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है. अनसर्टेनिटी का मतलब है जो एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ हो जाए. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि अगर हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो हम सिर्फ उनको गेस कर सकते हैं. सो गेस करके हम प्लान्स बना सकते हैं. तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंस आ रही है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के रिस्क को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है, ताकि हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई तो हमारे पास एक प्लान जो है वो रेडी है. क्लियर हो गई इतनी बातें. ओके जी, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. अब देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, आप सभी को ये वाला क्वेश्चन आता है. ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्ज यूनिट्स called departments. Grouping similar nature jobs into large units called departments is the step in which process of one of the function of management. इनमें से एक function है कोई जो ये काम करता है, ठीक है, इनमें से एक function है जो ये काम करता है,
कौन सा फंक्शन है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो एक इसका और इजी है, इजी फॉर्मेट है, इजी भी और हो सकता है कि प्लानिंग को नहीं है, प्लानिंग तो हमें फॉर श्योर होगी कि प्लानिंग में ग्रुपिंग का काम नहीं है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम नहीं है। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम कहां पर है, कौन से चैप्टर में, डिपार्टमेंट्स कहां पर डिवाइड करे थे, ऑर्गेनाइजिंग में करे थे या नहीं करे थे? यस मैम, ऑर्गेनाइजिंग में करे थे, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट, कह रहे हैं कि जो एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, वो क्या सजेस्ट करती है? जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है वो इन सारी बातों में से क्या सजेस्ट करती है? प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शंस, प्लानिंग जो है अदर फंक्शंस को प्रिसीड करती है, ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, ठीक है जी, ये भी प्लानिंग के लिए तो ट्रू है, बट हमें यहाँ पर एक्चुअल में बताना क्या है, हमें बताना है कि प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है, उसके अंदर क्या कवर होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग, प्लान इज फ्रेम, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। कहते हैं कि भाई प्लान जो है, प्लान को पहले, प्लान को पहले फ्रेम करते हैं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम दूसरा प्लान बनाते हैं। ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे को क्या दिया हुआ है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो सारी जगह पर होता है, सारे लेवल्स पर होता है और सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो बट ये बात है ट्रू, तो सभी के सभी ट्रू है, बट वॉट वी हैव टू टेल, वी हैव टू टेल दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन में क्या कवर होगा। इन सारे पॉइंट्स में से प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन में क्या कवर होगा, प्राइमरी का क्या मतलब है, सबसे पहले स्टार्ट करते ही प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी काम करेंगे हम, प्राइमरी काम क्या है, प्लान को बनाना। सो यहाँ पर क्या होगा, प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शन, प्लानिंग जो है अगले फंक्शंस को बताता है कि आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। ओके जी, क्लियर हो गई इतनी बात, करेक्ट आंसर कौन सा आ गया यहाँ पर, ए इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया गया है, अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स टू बी यूज्ड। कह रहे हैं कि हम जो एक मार्केट में क्या होता है, एक बहुत अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है हमें, एक मेजर डिसीजन होता है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हमें मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जो हमारी मार्केटिंग को मार्केट तक पहुंचाने वाला है, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने वाला इंटरमीडिएट्स कौन सा होता है, जो हमारे बीच मार्केट और पब्लिक के बीच में कनेक्ट कर दे, ठीक है, उसके बारे में डिसीजन लेना कौन से फंक्शन में हमें बताता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो प्रमोशन से ही तो हमारा जो है प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचता है, प्रमोशन ही है जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाता है, सो वहीं पे सारी इंटरमीडिएट सेलेक्ट होती हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रमोशन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखते हैं क्या पूछा गया हमसे, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, जो हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन है, ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बातें करता है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो इसमें बात करता है। अब सोशल एनवायरनमेंट तो नहीं है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर तो नहीं कर रहे हैं आप, उनका आपका और फॉरेन कंट्री का रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सो दैट मीन्स कि सोशल एनवायरनमेंट नहीं है। लीगल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कोई रूल तो यहाँ पर बताया नहीं गया कि आपको एनवायरनमेंट के लिए ये रूल फॉलो करना है, वो रूल फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं बताया गया। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिकल हो सकता है करेक्ट आंसर, जो हमारा और फॉरेन कंट्रीज का रिलेशन है वो क्या होगा, कौन से एनवायरनमेंट में कवर होगा। सो यस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कवर होगा, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, अब मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है, पूरी सोशलाइजिंग होती है मार्केटिंग में, तो क्या मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस नहीं है? यस मैम, मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है, मान लिया हमने। देन फर्दर लिखा है
focus of the marketing activities is on customer needs. Marketing करते हैं क्यों मैम? सिर्फ customer की needs और wants का ध्यान रखने के लिए करते हैं, तो ये वाली बात भी जो है correct है, हम इसको भी ignore नहीं कर सकते. Next हमारे पास क्या है? Marketing is merely a post-production activity. तो कह रहे हैं कि marketing जो है वो एक post-production activity है. So ये statement देखो यहाँ पर गलत हो जाती है. Next हमारे पास है marketing mix is a wider term than product mix. बिल्कुल सही बात है, marketing तो सबसे ज़्यादा wider concept है. तो डी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. इनकरेक्ट आंसर कौन सा है? डी हमारा करेक्ट है, बट आंसर जो है हमारा करेक्ट है वो है सी. स्टेटमेंट सारे करेक्ट है, बट रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16. अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश. इजी क्वेश्चन है. अगर यार देखो तुम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम बहुत बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं एंड हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ रहे हैं. क्लियर? अब देखो प्लानिंग किससे रिलेटेड है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से. कौन है प्लानिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाली बात कहीं भी नहीं है. तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हमने तो ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं थे जब हमने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा. ठीक है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं होती. तो प्लानिंग में एक्चुअल में क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी से हम प्लान को बनाते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर योर करेक्ट आंसर. क्लियर हो गए इतनी बातें? ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. 17 में देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है. डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, which is important not only for protection of the product, जो क्या करता है product को protect भी करता है. ठीक है, but also serves as a promotional tool. साथ के साथ एक promotional tool भी act करता है. एक protection भी देता है product को और एक promotional tool भी act करता है. जल्दी से बताओ क्या correct answer है. अब सोच के मुझे बता देना कि कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट क्या देख के परचेज करते हो? पैकेजिंग देख के परचेज करते हो ना, पैकेजिंग देख के परचेज करते हो ना. तो वो पैकेजिंग क्या है? उस प्रोडक्ट का प्रमोशन है. प्रमोशन भी हो रहा है, प्रोडक्ट अंदर अंदर चिप्स है उसके, बट प्रमोशन हो रहा है पूरा पैकेट से. ठीक है जी, प्रमोशन हो रहा है, साथ साथ जो चिप्स है वो अंदर प्रोटेक्टेड है पैक के. क्लियर है? सो ऐसा कौन सा, अब मुझे बता देना. आप सोच के अब तो सारी बातें बता दी मैंने, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्रोटेक्ट भी करता है प्रोडक्ट को और साथ के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहा है. तो ऐसा कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है पैकेजिंग. क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे. एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन, एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, the advertisement of new brand of baby food for infant provides that important information for potential buyers. That is, कहते हैं कि जो एक पैक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो क्या है? That not recommended for infants under the age of 4 months. कहते हैं कि जो 4 months से छोटे इन्फेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं है. क्लियर? विच डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ये हाईलाइट करता है? अब यहाँ पर मुझे सोच के बता देना. रेगुलेशंस लिखा है, रेगुलेशंस कहाँ पे आते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ पे आते हैं? लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं. ज्यादा सोचने की हमें नीड ही नहीं पड़ी यहाँ पे, हमें क्लियरली पता लग गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हाँ ये काम नहीं करना. तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ओवरलैपिंग का क्या मीनिंग है? कि एक्टिविटीज जो है वो सेम सेम एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म होनी है. दैट मीन्स कि ओवर के ऊपर के ओवर के ओवर के ऊपर के ऊपर. ठीक है, सो ओवरलैपिंग यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल फ्योल ने दिया जिसमें हमें बताया गया कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज अब नहीं होगा. डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कि जब एम्प्लॉयज को पता होगा, लेबर्स को पता होगा, वर्कर्स को पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे कैसे काम करना है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा. पर्टिकुलरली हर लेबर को पता होगा, हर वर्कर को पता होगा कि आपको इस पर्टिकुलर काम को करना है.
सो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं भी होगी, कोई भी दोबारा एक्टिविटीज को, पर्टिकुलर काम को दोबारा दोबारा परफॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रिवेंट होगा ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? ओके जी, लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। 20th क्वेश्चन तक आज करेंगे, फर्दर पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपका लाइव सेशन करेंगे सैंपल पेपर का फर्दर। सो देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि डैश इंश्योर्स दैट सबॉर्डिनेट परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर। एक ऐसा कुछ जो है कंसेप्ट है जो बताता है कि जो सबॉर्डिनेट है मैनेजर के बिहाफ पे काम कर रहा है, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड, साथ के साथ उसका वर्कलोड भी रिड्यूस कर रहा है, एंड प्रोवाइडिंग हिम मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। जो भी कोर एक्टिविटीज हैं उन पर फोकस कर पाए कौन, मैनेजर। सो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये सारी चीजें जो है हमें रिजल्ट में देता। सो ये कौन सा कंसेप्ट है जल्दी से मुझे सोच कर बताएंगे। सो देखो जी कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम अपना काम जो है थोड़ा सा किसको दे देते हैं, वर्कर्स को, मैनेजर दे देते हैं कि आप ये काम हमारे लिए कर दीजिए ताकि आई कैन फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज। क्लियर हो गई इतनी बात कि कैसे करने थे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, इजी था सेक्शन ए पूरा इजी था। क्लियर? ओके, 24th क्वेश्चन है, फर्दर हम कंप्लीट करेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। लास्टली जो इम्पोर्टेंट सी एक बात है, दैट इज योर कि लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे कि कौन कौन से सेशंस कब कब हो रहे हैं, कौन कौन से वीडियोस कंसेप्चुअल वीडियोस कब अपलोड हो रही है। तो सारी डिटेल्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली आपका सेशन जो है एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।